तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए दिखा एंड जल्दी मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बारात लेके खिरनी के अंदर एंड अब आपको दिखाते हैं। तो मिलते हैं गाइस आगे की तरफ मैरिज गार्डन में। तो गाइस कुछ इस तरह दिखता है मिर्ची गार्डन बाहर की तरफ से। तो अब अंदर की तरफ से दिखाते हैं अंदर का प्रोग्राम और कैसा दिखता है अंदर से मिर्ची गार्डन। तो गाइस फाइनली हम अंदर आ चुके हैं गार्डन के और इस तरह दिखता है गार्डन और यह है सेटअप है पूरे गार्डन का। तो ये इधर नाश्ता है, इस साइड पूरा पहरावनी का सिस्टम है, डीजे सिस्टम है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूरा सिस्टम है। ये खाने का सिस्टम है नाइट का, जहाँ नाइट में खाना होगा। तो गाइस फाइनली कोरोना ख़त्म हो चुका है। कोरोना ख़त्म होने के बाद लोग घर से बाहर निकलने लगे हैं, बाहर निकल के खाना खाने लगे हैं। ये कुछ आपको इस तरह दिख रहा होगा लेकिन ये कुछ इस तरह नहीं है, ये बारात का नाश्ता है। समझ रहे हो ना जो कि बारात जो हम लेके आए हैं उसका जो लड़की वाला नाश्ता देते हैं ये वो चल रहा है जो है। तो गाइस फाइनली अब दूल्हा रेडी होने जा रहा है। जो भी दूल्हे लाए होंगे निकाह के लिए शेरवानी या फिर कोट, तो उसको अब तैयार होते हुए दिखाते हैं किस तरह दूल्हा एक्साइटेड है तैयार होने के लिए निकाह के लिए। ऊपर वाला था जिसमें बैठे थे वो क्या रह गया तुम्हारा यहाँ पे कुछ है क्या? और हेरा बांध के फिर अपन चलेंगे अब वापस निकाह के स्टेज पे। टूट गया भाई। ये अपना असिस्टेंट है भाई, ये मोइन के असिस्टेंट है, सारा काम करते हैं, चड्डी से लेके बर्तन तक धोने का। और ये भाई जिनके घर पे हम कपड़े चेंज कर रहे हैं, हाँ ये इनके बहन हुई है, मोइन के बहन हुई। क्या नाम भैया अपना? शोएब भाई। आता है साथ में भागता है दोनों तरफ से। तुम्हारा लिया है क्या? हाँ लिया है। तो भी? हाँ लिया है। ओ रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बैग अपना वहीं रखा हुआ पर? हाँ रख दूँगा। याद है ना बूना में बैग ना? हाँ हाँ। तो फाइनली गाइस दूल्हा रेडी हो चुका है, हम वापस जा रहे हैं मैरिज गार्डन। तो गाइस अब यहाँ चल रहा है पेरावनी कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पर जो भी नेक वेक वगैरह वगैरह दिखाया जाएगा दूल्हे को दिया जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट स्टेज पे जाएंगे निकाह के लिए।